इस संसार में। बताए मां का बलिदान तो कोई उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। बहुत सी बहुएं ऐसी होती हैं आते ही न्यारी कर लेंगी बेटा को, मां से अलग कर देंगी, और जब बेटा बेटा मां के पास जाता है तो बहू कलेश करती है कि तुम मां के पास गए थे तनख्वाह में से कजू दे के आए होंगे। और जी बात मैया पता चल जाए ना तो मां अपने बेटा से कहती है तू मेरे पास मत आओ कर, तेरी बहू तो ते कलेश करेगी ना, वो तो ते कलेश करती है ना, मोए नहीं चाहिए, मैं तो हाथ पांव चल रहे हैं, मैं तो भगवान जब गुजारो करेगो, पर तो ते कलेश होए जी बात मोए अच्छी नहीं लगत बेटा, तू मेरे पास मत आओ करे, और तनख्वाह मिलो करे तब तो बिल्कुल मत आओ करे। अपने पाले परोसे बेटा को दूसरी की लड़की के हाथों में दान कर देती है। ये झूठी बात है कि लोग कन्या दान करते हैं, सच बात तो ये है कि असलियत में तो माँ अपने बेटे को उस कन्या को दान कर देती है कि जा ले जा, असली बात तो ये है। कन्या तो उस घर की मालकिन बन जाती है, हैं? दान तो माँ करती है कि ले आज से मैंने अपना बेटा तो दे दो, पार्यो मैंने पैदा मैंने करो बड़ो मैंने करो दूध मैंने प्याए प्याए और सुख तू ले, जाकी दौलत तू ले, हैं? जाकी कमाई तू ले, हैं? जाको संग तू ले, हैं? जाके मकान तू ले, जाके खेतन तू ले, हैं? और जाई के नहीं जो मैंने कमाए अपनी जिंदगी भर बहु है तू ले। ये मां का बलिदान है, इस धरती पर कोई कर सकता है? लेकिन मुझे दर्द तब होता है, दुख तब होता है जो मां इतना सब कुछ करती है उसके बाद औलाद जब कमा के लाती है और कभी कभी घर पे आवे और मां इंतजार करती है कि छोरा आ रहा है तो 2-4 हजार रुपया तुम्हें हाथ पे धर के जाएगो, छोरा आ रहा है, और छोरा न्यो कह के चले जाए कि मम्मी पे का कमी है, मां पे का कमी है, मैया पे तो खेत है, मैया पे इनकम आ रही है, फलानी चीज है रही है, मैया पे तो सोनो है चांदी है, मैया पे का कमी है। ऐसे कपूतों को तो मैं चाहता हूं कि आग लगा करके मार देना चाहिए, हैं? जो ये क्या मैया पे क्या कमी है, जा मैया पे तो कोई कमी ना है, हैं? और तेरे घर में एक मैया बैठी है, हैं? जा तू ब्याह के लायो का है, हैं? तापे सब कमी कमी है सो ले लग तू तू भैया दे रहा है, मतलब बाप कमी कमी है और तेरी मैया पे कोई कमी नहीं है। ऐसी औलाद को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, हैं? जिसने 9 महीना रखा पेट में उसके सामने कहता है कि मां पे क्या कमी है, जिसने दूध प्या करके बड़ो करो मां खुद भूखी रही खुद दूध नहीं पिए लेकिन बालकन ने प्याए, हैं? और वो औलाद कह दिए मैया पे क्या कमी है। ऐसी औलाद को तो कुआ में डूब के मर जाना चाहिए। तू जई के जई जई दिना के लिए पैदा करो, जई शब्द सुनावे के लिए पैदा करो का, अरे तू माँ पे माए देव माँ पे जोर जोर के धरेगो तो माँ कोई शराब पी में थोड़े जा रही है, जोर जोर के धर के तो ये दे जाएगी अंतिम में, कछु चीज बनावेगी तो तेरी बहुआ ही दे जाएगी, हैं? तो कोई तो छोड़ के जाएगी, माँ कहीं बर्बादी करने तो जाती नहीं है, तेरी बहू तो फिर भी है मेला देखे भी जाए शॉपिंग करवे जाए न जाने कहां कहां जाती है, और हो सकती है तेरी बहू तो तेरे मायके में भी दे आवे, लेकिन माँ मायके में नहीं देती, माँ तो अपनी औलाद के लिए इकट्ठो कर करके रखती है, इतने पर भी औलाद कह देती है कि हैं कि माँ पे का कमी है, माँ का करेगी। धिक्कार है उन कपूतों को जो माँ बाप को ऐसी वाणी कहते हुए उनकी जीभ में कीड़ा नहीं पड़ता है, उनकी जीभ में आग नहीं लगती, जो मां से कहते हैं कि मां पे क्या कमी है, मां क्या करेगी, मां को क्या जरूरत है, हैं? तू ब्याह के लायो का तो ये सब जरूरत है, पूरी तनख्वाह पूरा भंड पूरी पेंशन और पूरा जितना जो बाद में आता है रिटायरमेंट के बाद सबरो बैगल है, मां को कोई जरूरत नहीं है। धिक्कार है ऐसे कपूतों को, अरे तू अपनी तनख्वाह में तो पूरा नहीं तो कबो कबो आया तो एक
अरे 12 महीना तो तनख्वाह मिलती है, 12 महीना में से कम 2 महीना की तनख्वाह तू यू समझ ले दानु कर दे तो अपनी माँ बाप पे ये दान कर ले, दुनिया में नहीं कर रहा तो माँ बाप पे ये दान कर ले। धिक्कार है ऐसी औलादों को जो अपने माँ बाप माँ बाप खिसाने से खड़े रह जाते हैं, वो तो बोलते भी नहीं है क्योंकि मैंने मांगी और जन नहीं कर दी तो कहा हमारा मां जनो रहेगा, कहा हमारा मोह रह जागो, कहा हमारी इज्जत रह जाएगी। और वे मन की जान लेते हैं कि हमने कही हो जो ना ही करेगा ताते उनकी कहने की हिम्मत भी नहीं पड़ती है साहब। ऐसे ऐसे माँ बाप देखे हैं कि छोरा छोरा तो ओडी में घूम रहे हैं, मर्सिडीज में घूम रहे हैं और उनके माँ बाप पे फटे कपड़ा हैं, उनके माँ बाप पे फटी फनैया पनैया है, हैं। ऐसे औलाद को तो परमात्मा भी क्षमा नहीं करेगा, ध्यान रखना, क्योंकि उस समय माँ बाप ने खुद ने सुख नहीं भोगे थे जिस समय तुमको सुख दिया था, माँ बाप ने सुख नहीं भोगे लेकिन तुमको सुख दिया। और आज जब तुम्हारा सुख तुम्हारा जीवन तुम पे संपत्ति आई तो तुमने खुद अपने सुख की चिंता करी, अपने माँ बाप के सुख की चिंता नहीं करी, हैं? धिक्कार है उस औलाद को। बेटा तो वो है कि जो सुख खुद भोग रहे हैं उससे पहले अपनी माँ को सुख देने की कोशिश करते हैं और माँ को अपना देवता मानते हैं, माँ को अपना भगवान मानते हैं। बेटा तो वो है, पत्नी से ये कह देते हैं कि देख मुझे मेरी माँ की सेवा करनी है, या तो तू कर ले और तू नहीं करेगी तो फिर मैं अपने हाथन से अपनी माँ की सेवा करूंगा, मैं माँ के लिए जीता हूं, तेरी राजी हो तो रहे और नहीं राजी हो तो जा अपने घर। औलाद तो वो है साहब। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मां को समझाया, गले से लगाया और आशीर्वाद दिया, बेटा तू जहां रहे सुखी रहे जा, और सुन मेरी याद मत करना, मेरे पास तो सब लोग हैं, तू अकेला रहेगा ना दुखी रहेगा। भगवान श्री कृष्ण दोबारा से डोली में उस रथ में बैठे हैं,